जैसे ही मैंने सुना ना, मेरा मतलब सर पे जो है बिजली गिर गया। अभी मतलब वो गुस्सा भी आ रहा है मुझे, पर क्या कर। पोंगल बोलते हैं पर हमारा मकर संक्रांति, हमारा मकर संक्रांति है तो। पर गाइस सीरियसली आज इतना मतलब मकर संक्रांति ना यूजुअली थर्सडे पे कभी नहीं होता है। हमारा सच बोलूं तो पूरा मतलब मस्त वाला खाना बनता है, मटन चिकन फिश सब कुछ बनता है मकर संक्रांति में। पूरा मतलब जबरदस्त खाते हैं लोग। नहीं आपके आपका तुम्हारा तो वहां पर वो भी पड़ता है ना, बलि होते हैं वो। हां पर शायद आजकल हो रहा है, वो काफी टाइम से शायद बंद हो गया है, पहले बहुत होता था। अभी शायद कहीं कहीं पे अभी भी है दशहरा। बट हमारा मकर संक्रांति जो एक्चुअली जो हमारा घर में हो तो उस तरफ बहुत ज्यादा मानते हैं। बारीपता साइड में जो है बहुत नहीं, बहुत लोग तो संक्रांति पे नॉनवेज नहीं खाते हैं, पर आपका हम लोग के घर में भी संक्रांति में नॉनवेज नहीं होता है पर हमारा होता है। पर जबरदस्त बहुत लोग का नहीं होता है, तो किसी किसी का होता है किसी किसी का नहीं। तो हम लोग का संक्रांति में मकर संक्रांति में नहीं होता है, बट उसका अगले दिन में होता है। नहीं नहीं हमारा ये होता है कि देखो बहुत सारा संक्रांति आता है, लोग ऐसा करते हैं एक संक्रांति पे खा लेते हैं, ये मानते हैं वो मानते हैं। हमारा इसीलिए कोई भी नहीं माना जाता है मोस्टली, पर बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हाँ मकर संक्रांति पे नहीं खाएंगे पर बाकी सब जो संक्रांति है उसमें उसमें खा लेंगे। भाई सभी बराबर है, पर किसी को थोड़ा ज्यादा मतलब माना जाता है, किसी को थोड़ा सा कम, तो इसलिए हमारा चलता है। तो आज मकर संक्रांति में मतलब आजकल कुछ नहीं लग रहा है यार, कुछ बड़ा पर्व है जो पोंगल होता है इन लोग का बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बस खाली छुट्टी में घर में रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, आजकल वैसा ही चल रहा है और कुछ नहीं है। पहले गाँव पे ये सब चीजें गाँव में मुझे याद है मेरे जो मतलब क्या बोलूं क्या होते हैं मतलब आजकल क्या हो रहा है। नाना जी हाँ। वो सुबह वैसे भी 4 बजे नहाते हैं, तो तब क्या करते थे वो जो नदी या किसी के पास ना वो लोग जाके वो जो लकड़ी वकड़ी जला के नहाने के बाद वो मतलब क्या करते हैं उसको क्या होते हैं जो ऐसे हाँ जो गर्म सेक लेते हैं वो लेते थे। फिर आने के बाद हम जब भी जाते हैं गाँव सोए रहते थे, मतलब वो नाना जी आएंगे और पटाखे जो होता है ना वो फोड़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसा पटाखा होता है ना जो फेंक के मारो तो वो फटता है ना, तो वो फटाना स्टार्ट कर देंगे। और मेरे से क्या हो गया नहीं यार, मतलब गांव में मजा ही कुछ अलग है। ये जो फंक्शन वगैरह है ना एक्चुअली गांव में मजा ही उसका कुछ अलग है। बट ये सब हम लोग जो आ गए सिटी वगैरह में सब कुछ आ गए ना, उसके बाद क्या हुआ कि छुट्टी मिल गया तो चलो आराम से खा पी के घर में सो जाते हैं। हाँ। लोगों का मेंटालिटी ऐसा हो गया, लेकिन गांव में जो मतलब बाहर में खाना बनाना पिकनिक टाइप का हो जाता है वो एक्चुअली माहौल पूरा अलग हो जाता है, सब मिलकर रहते हैं। आजकल का वो नहीं है यार, इसलिए गांव ही मतलब विलेज जो होता है ना, तो हम लोग जब भी जाते हैं कभी एक दो दिन एक आधे ज्यादा भी नहीं रुक सकते, क्योंकि ना नेटवर्क मेरी जो गांव है ना मतलब मेरी नाना जी का, तो वहां पे फोन का नेटवर्क नहीं आता है और क्या वाह करोगे। तो 2 दिन ठीक है, फिर उससे ज्यादा फोन भी नहीं पकड़ पाओगे ना, क्या करोगे वो लगता है। बट मेरे गाँव में तो आज अभी मेरा नाना जी और नानी नहीं है, बट बड़े पापा बड़े माँ सब सब है। तो हम लोग जब भी जाते हैं कभी ना कभी हम लोग एक दो दिन तो घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर। इस बार भी जाएंगे हम लोग सोचा है, क्योंकि वहाँ पर बड़े पापा का बेटा और भाभी भी है, उनका बच्चा भी हुआ है, तो उनको देखे भी नहीं हम लोग। पूरा फैमिली साथ साथ इस बार हम साथ साथ है होगा ना, इस बार जाएंगे पक्का जाएंगे। उनका मतलब जब वो पैदा हुआ है उससे बाद हम लोग देखे नहीं, कभी नहीं देखे। एक साल हो गया उसको, काका काका काकी के हिसाब से हम लोग कभी भी नहीं देखे हैं उसको, काका काकी के हिसाब से हम लोग कभी भी नहीं देखे हैं। और अभी गाइस ये जितना भी सब देख रहे हो ना कपड़ा, मेरा तो पैकिंग ऑलमोस्ट मैंने निकाल लिया है। ये सब पिंकू का है, ये उनका आधा है, और भी जाएगा उनका ब्लेजर वगैरह शूज वगैरह बहुत कुछ। तो देखो मतलब ये बंदा कितना सारा जो है कपड़ा लेके, मतलब इनको अगर मैं पूछूंगी कि आपको मतलब क्या क्या लूं बोलो, ये पहले बोलेंगे कि मेरे लिए कुछ ज्यादा मतलब कुछ आदि मेरा 2-4 से काम चल जाएगा ठीक है। और अगर नहीं लेके जाऊंगी वहां पर मुझे बोलेंगे तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए ठीक है, और अगर उनको बिना पूछे ले लूंगी तो मतलब निकाल निकाल के सब पहन लेंगे, जैसे कि मतलब पूरा मतलब क्या चल रहा है पता नहीं चलता है। मतलब रोज इनका ऐसा कुछ नया हो, सब नया जितना भी लेके जाऊंगी, अभी 3-4-5 जो भी नया लेके जाऊंगी रोज रोज निकाल के घर पे भी पहन लेंगे। हाँ, और अगर लेके जाऊंगी तो ज्यादा बोल के बोलेंगे इतना सारा क्यों ले रहे हो। मतलब अभी अभी आप लोग भी देखो, मतलब अगर हम लोग 4-5 महीना रुकेंगे तो मैं 4-5 महीना में इतना सारा ले आऊं ठीक है। तो इसका जब पैकिंग होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कितना ले रहा है ठीक है। अभी तक आपका शर्ट नहीं आया इसमें एक भी, और
तो मैं शर्ट लेने वाला नहीं हूँ, आप देने वाला भी नहीं हो शर्ट, मेरे को पता है। तो बोले थे दो तीन शर्ट लेके जाओ। अच्छा देने वाले हो क्या? अच्छा ब्लेजर भी जाएगा आपका और दो चार मतलब शॉर्ट्स अभी जो धुलने के लिए मैंने रखा है वो भी जाएगा, अभी वो नहीं है। और जींस पैंट कितना ले रहे हो मेरे को वो दिखाओ पहले। पैंट और मैं निकाल लूंगी, आपका ऑल्टर होने वाला है वो हो जाए तो फिर उसके हिसाब से देख के मैं और लूंगी, अभी तो मैंने ज्यादा नहीं लिया। ये अल्टर होगा? हाँ ओके हाँ। और अभी यहाँ पे बस ऐसे मैंने ये शॉर्ट दो निकाल के रखे हैं और भी एक आधी शॉर्ट जाएगा इनका जो कि धुलने के लिए रखा है, बहुत सारा है। अब पूरा जब इनका मतलब निकलेगा ना सब मैं दिखाऊंगी तब ये कितना लेके जाता हूँ। ओके ठीक है। और गाइज अभी और एक प्रॉब्लम ये आ गई है, मतलब जैसे मैंने सुना ना मेरा मतलब सर पे जो है बिजली गिर गया, मतलब मैं सब कुछ पूरा घर क्लीन ही करके जा रही थी, किचन वगैरह अच्छे से सब कुछ, ताकि घर अगर गंदा थोड़ा सा भी रहेगा ना कॉकरोच वगैरह होगा, ऐसे तो नहीं हो रहा था अभी तक, पर अगर बंद रह जाएगा पूरा तो होगा, पूरा डस्टबिन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग और कोना वगैरह साफ करके ही जा रही थी। पर अभी मतलब जो हमारे ऑनर है तो वो बोले कि मतलब जो ये जो पेंडिंग काम सब हुए मतलब है ना तो ये लोग तो कर नहीं रहे हैं और हम भी इतने टाइम के लिए जा रहे हैं दो तीन महीना तो ऑब्वियस बात है आ नहीं रहे हैं। मार्च 31st से ऑफिस खुलेगा तो हमारा कोई मार्च 15 से पहले हम नहीं आएंगे, आएंगे तो मार्च 15 के बाद भी। पर उन वो लोग अभी बोले कि जो घर का की है मतलब उनको देके जाने के लिए किसी को भी मतलब और एक उनका जो फ्रेंड है उनको, ताकि काम अगर भी होगा मुझे मतलब पता नहीं ये लोग करेंगे कि नहीं, पर अगर कर लेंगे ऐसा करते नहीं, पर अगर करेंगे ना तो सब जो सामान है पता नहीं उसका क्या होगा। मतलब ये लोग जब मैं घर पे होती हूँ ना इतना गंदा करते हैं कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ना मेरे जो बाथरूम का स्लीपर है जो जिस बाल्टी पे मैं नहाती हूँ वहां पे डाल देते, तो क्योंकि निमाजिम की क्या करते हैं ये लोग, तो अगर फ्रीज वगैरह वही सीमेंट वगैरह के हाथों पे ना पकड़ लेते हैं और उसको अगर इंस्टेंटली आप मतलब साफ भी नहीं करोगे ना पूरा दाग वगैरह हो जाता है। तो अभी मतलब डोंट नो यार वो लोग क्या करेंगे मेरे सामान का, पर अगर कुछ भी मेरा क्या यार, किसी का भी सामान के साथ बहुत अटैचमेंट होता है, मतलब हर एक चीज कितना मुश्किल से बनाया जाता है, अगर ऐसा ही सामान खराब हो जाएगा तो बहुत ही ऑब्वियसली बात है खराब लगेगा। और बस अभी वो ही सुन के ना क्या बोलूं यार, मुझे मतलब बहुत ही मतलब मन तो है नहीं पर क्या करेंगे यार, मतलब उन लोगों का भी घर है तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि काम कराएंगे, फिर वही वो रिस्क पे मैं उन लोगों के रिस्क पे छोड़ के जा रही हूँ। बस मैंने उनको बोला कि पिंकू को बोल दो कि मेरा सब सामान से मुझे बहुत लगाव है, अगर कुछ भी खराब हो जाए आई कांट टॉलरेट सीरियसली, मतलब और ये थोड़ी पॉसिबल है कि इतना सामान है और क्रॉकरी पे इतना सामान है। हाँ और एक बड़ी बात है कि यहाँ पे चोरी भी बहुत होता है, मतलब लास्ट टाइम तो किसी का मिल्क पैकेट भी यहाँ से सामने से चोरी हो गया था, और अगर आप सोचो कि अगर घर के सामने से मिल्क पैकेट चोरी हो रहा है तो घर पे तो कितना सामान है, टीवी वगैरह सब कुछ मेरा है, अगर ना हो कि बड़ा चीज ले पर अगर मेरे किचन की क्रॉकरी से कुछ भी ले जाएंगे ना तो मेरा मतलब मैं मर ही जाऊंगी। फिर उससे बड़ी बात है ये है ना कि जो हमारा चिमनी हुआ था ना उस टाइम, तो उसपे ऊपर जो हॉल था वो एग्जैक्टली प्रॉपरली फिट नहीं हुआ था, उसपे और एक हॉल हुआ था, तो जो हॉल को है उन लोगों ने मतलब बंद नहीं किया है, तो वो भी अगर वो करेंगे तो पूरा गैस के ऊपर सीमेंट वगैरह डालेंगे, और ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं कि ना मैं हर एक सामान जो है किचन के काउंटर से पूरा खाली करके जाऊँ, कहाँ पर रखूंगी गैस वगैरह भी खाली करके मैं रखूंगी तो कहाँ पर भी रखूंगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ लास्टली जो सोफा है ना वो सेकंड वाला बेडरूम पे, खैर अच्छा हुआ कि बेड नहीं है वो, लास्ट मतलब लास्टली मैं वहां पे डाल के चली जाऊंगी क्योंकि ऑफ वाइट का सफा है, अगर कोई भी हाथ वगैरह कुछ डाल देगा ना पूरा मतलब, और इंस्टेंटली आप साफ कर लो तो वो मतलब क्लीन हो जाएगा, पर हम होंगे नहीं, कौन होगा क्या होगा बाद में, मैं जब आके क्लीन करूंगी आई नो कि वो स्टिक जो स्टेन होता है वो रह ही जाता है। तो ये सुन के अभी मेरा पूरा दिमाग ही खराब हो गया गाइस, क्या करूंगी मतलब अभी, मतलब वो गुस्सा भी आ रहा है मुझे, पर क्या करेंगे खैर छोड़ो जो करेंगे करेंगे और क्या कर सकते हैं। गाइस आज की लंच पे मैं दिखाऊंगी ना आप लोग डर जाओगे, तो एक ये जो एक प्लांट जो बैंगन था वही बस उसको फ्राई कर रही हूँ वो, और उसके साथ रोटी बनाऊंगी, आटा थोड़ा सा था क्योंकि जब भी सब्जी है मैं ट्राई कर रही हूँ वो सब थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर लूँ, तो ये भी बैंगन था आज और थर्सडे भी, और कुछ ज़्यादा बनाने के टाइम भी नहीं है, तो बस ये बैंगन की जो फ्राई है वो बनेगा और उसके साथ अभी रोटी बनाऊंगी, यहाँ पे सब सामान निकाल के रखा है मैंने, तो चलिए गए जल्दी से बना लेती हूँ और फिर लंच करते हैं, बहुत भूख लग रहा है हमें। और आज जाके पिंकू ये मतलब 1 kg हाफ के जी मुझको पता नहीं है, पर न्यूज़पेपर लेके आ रहे हैं क्योंकि वो लोग तो काम करेंगे ना, तो सोच रही हूँ ये जो क्रॉकरी यूनिट तो इसको तो मैं हटा नहीं सकती, और क्रॉकरी यूनिट को
फाइट तो है, अगर क्लीन नहीं करेंगे और हाथ वाथ लगाएंगे सिमट करना तो पूरा वो दाग हो जाएगा। तो इस पे पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लूंगी और ये जो मेरा फ्रीज है इस पे भी कर लूंगी ताकि एटलीस्ट ये दो चीज तो कुछ खराब ना हो। और खैर ये सब सामान को मैं ट्राई करूंगी कि अंदर ही डाल दूं, गैस को तो अंदर नहीं डाल सकती, इतना मेहनत करूंगी तो आके फिर मुझे ही मतलब तकलीफ होगा। पर ये वाला जो सेल्फ है इसको और ये वाला जो सेल्फ है, ये जो प्लांट वगैरह तो वैसे भी हटाऊंगी, ये सबको हटा के मतलब रख लूंगी। तो गाइस अभी इवनिंग हो गया है और पूरा मतलब अंधेरा हो गया आप देख सकते हो, और मैं भी अपना थोड़ा सा मतलब वीडियो का अपलोड वगैरह वो सब कर रही थी और अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा, वैसे तो कुछ खास हुआ नहीं है, फिर भी सोच रही हूँ थोड़ा सा जो अपर लिप है ना थोड़ा मतलब मुझे मेरे आ गई है तो सोच रही हूँ जाने से पहले करके आ जाऊँ, टाइम तो है अभी। और अभी तो फिलहाल वैसा कुछ काम है भी नहीं, पैकिंग वगैरह हो गया है और थोड़ा सा सोच रही हूँ एक एक तो मेरा एक दो ड्रेस है और पिंकू का एक पैंट है तो वो सोच रही हूँ थोड़ा सा अगर पॉसिबल होगा तो उनको अगर वो बोलें कि आज एक दो घंटे बाद या फिर कल तक सुबह तक दे देंगे तो अल्टर करने के लिए दे दूंगी, क्योंकि परसों हम जा रहे हैं तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं, सोच के तो वही जा रही हूँ पर देखते हैं। चलिए गाइस चलते हैं। अंकल कैसे हो? मैं वरना खोल दूँ, आप कर दो खाली ऐसा, और फिर हाथ का और एक बार करना पड़ेगा ऐसा, ये खोल देंगे तो ये निकल जाएगा ना। बस 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 के अंकल है? हाँ भाग रहे भाग रहे, देखो मैंने कुत्ते को देख के देखो भाग रही है, क्या हुआ? हाँ भगवान ये कुत्तों से मुझे बहुत डर है। गाइस अभी मेरा पार्लर वालर का काम खत्म हो गया, आईब्रो भी मैंने थोड़ा सा करवा लिया और वो ड्रेस भी ऑल्टर करने के लिए मैंने दे दिया है, पर उन्होंने बोला कि वो कल मतलब देंगे, मतलब याद करके लाना पड़ेगा वरना रह जाएगा, तो वही। और अभी गाइस ना हम थोड़ा सा जा रहे हैं, वो जो उस दिन मैं बोल रही थी ना मेरा जो लाइक छोटा भाई जैसा होगा तो वो आया था घर पे, तो वो बेसिकली घर से बहुत सारा सामान जो भेजे थे मेरी मम्मी और पिंकू के पापा तो वो सब लेके आया था, मुरमुरा वगैरह। सीरियसली मतलब ऐसा सिचुएशन है कि अभी घर से सामान आया पर हम वो मतलब क्या करें वो खा ही नहीं पाए, तो अभी वो जा रही हूँ, वो जो मुरमुरा वगैरह आया था ना और बाकी सब कुछ रह जाएगा पर वो जो मुरमुरा है पॉप राइस है तो वो खराब हो जाएगा, नहीं बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाता है तो वो मजा का वो पूरा जो मस्त वाला भाई। हम उस दिन मटन बना था और पिंकू थोड़ा टेंस थे इसलिए रात को मैंने नहीं दिखाया, किसी ने मुझे बोला था कि मटन मुड़ी खाना आप कभी दिखाना, हम मोस्टली मटन होता तो खाते ही है और वो मुड़ी इतना अच्छा था जो पॉप राइस था वाला, इतना क्रंची पूरा मुंह में डालने से पूरा मस्त था। पर अभी वो जा रहे हैं उसको क्योंकि वो हमारे लिए लेके आया था लेकिन उसके लिए लेके नहीं आ पाया था क्योंकि उसका सामान हमारे, नहीं हाँ, हमारे लिए इतना सामान था तो मैंने उस दिन भी उसको बोला था कि थोड़ा ले ले बोल के। हाँ तो उस दिन ये भी बोला था कि अगर हम चले जाएंगे तो मैं देके जाऊंगी लास्टली, तो वो खुश हो गया सुन के, मैंने पूछा मैं दे दूं तो उसने बोला हाँ हाँ मैं ऑब्वियसली बात है दे दो आप, तो वही अभी जा रहे हैं उसको थोड़ा देने के लिए, तो चलिए गाइस देके आ जाती हूँ फिर आने के बाद देखते हैं क्या करेंगे। और द मैसेज जस्ट कंटेन्स अ पिक्चर Do you want to reply? No, I don't want to reply. तो गाइस सब काम बाम खत्म हो गया और हम घर वापस आके मतलब अभी डिनर करके, और मैंने तो अपना और भी बहुत सारा काम था वो जो निपटाया, मतलब छोड़ो वो सब, और कुछ आदि सामान लेके जाना था जो सब वो सब, और थोड़ा बहुत पैकिंग किया मुझे जो कि बाद में याद आ रहा है। और पिंकू तो आज इतना टायर्ड हो गए हैं, मतलब वो बेड पे मैं जब तक फ्रेश होके आई मैं देख रही हूँ वो लिटरली सोने पे हैं अभी पर नहीं वो सोए नहीं है क्योंकि वो उठ के अभी मेरे जो आई ड्रॉप है वो डालेंगे, तो वही गाइस तो बस बहुत ज्यादा टायर्ड एक्चुअली हम दोनों ही आज हो गए हैं, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी। और कल फिर ना और एक बड़ा काम है जो कि हमारा कार है वो भैया के पार्किंग पे वहां पे रख के आना पड़ेगा, फिर कल भी कैब पे आना पड़ेगा। तो और मैंने गाइज आप लोगों को बोलना भूल ही गया कि ये महात्मा ने क्या कांड किया था, इन्होंने ना जब हम कल रात को कैब पे आ रहे थे लास्ट व्लॉग पे जो मैंने बोला था जो कैब पे हम आ रहे थे तो मैंने बोला था कैब पे जाएंगे, भाई इन्होंने किया ये है कि जो हमारा घर का की होता है तो वो इनके वॉलेट पे रहता है बस सिंगल वाला की,
तो इन्होंने क्या किया है, जो वॉलेट है इनका वो भैया के कार पे ही छोड़ दिया है। और जब हम आधे रास्ते आ गए तभी इन महात्मा को याद आया कि मैंने तो वॉलेट लाया ही नहीं, और अगर वॉलेट होता तो मैं बोलती कि छोड़ो, खैर छोड़ दो, कल परसों आराम से 2 दिन टाइम तो है, ले लेंगे। पर भाई अगर घर का की था, बिना उसके कैसे आते? फिर वो जो मतलब कैब वाला को हमने रिक्वेस्ट किया, फिर उनको बोला कि आपका जितना भी पेमेंट होगा हम देने के लिए रेडी हैं, फिर वो रिटर्न लेके गए और ये भाग के गए लेके आए, वरना कल हम बाहर ही रहते, राइट पेगू? ये अभी पूरा नींद में है। तो बस गाइस, तो यही चल रहा है, और होप के मतलब अच्छे से बाकी सब काम हो जाए, अच्छे अच्छे से पहुंच जाए और कुछ ना भूलूं मैं, बस सब कुछ लेके जाऊं। तो ये गाइस, चलिए साथ साथ आज की जो व्लॉग भी है गाइस, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, साथ साथ आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एज वेल, एंड जो साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा देना गाइस। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और आज गाइस मैं बहुत टायर्ड हो रही हूँ, आपको मतलब मेरे फेस से देख के पता चल रहा होगा कितनी ज्यादा डल दिख रही हूँ मैं। तो क्या करें, खैर काम है ही उतना, बहुत ज्यादा काम है। तो चलिए गाइस, बाय बाय।